सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू दी डे 4। तो आज हम अमृतसर के लिए निकल रहे हैं, जम्मू से ट्रेन है हमारी। सो अभी जम्मू के लिए जाएंगे, फिर जम्मू के बाद अमृतसर की ट्रेन पकड़ के अमृतसर। शाम को 7:30 तक अमृतसर पहुंच जाएंगे, 2 की ट्रेन है। सबके लिए यहाँ से जम्मू के लिए बस की है, 4 बसेस है, इसमें बैठ के जम्मू उतर जाएंगे। जबलपुर एक्सप्रेस में बैठे हैं तो अमृतसर उतरेंगे, तो उसके आगे के पॉइंट गोल्डन टेम्पल जाने वाले बाद अभी अमृतसर में घूमेंगे। वी आर नाउ रीच एट अमृतसर। अभी होटल में जाएंगे लोग। वेलकम टू पंजाब। यस, सो बाहर अभी गाड़ियां है हमारी आई हुई, बुक की हुई है लग्जरी, तो उसमें बैठ के होटल लग जाएंगे। होटल दिखा दो आपको आगे। एक नंबर रूम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है, अलग अलग। अभी ये इतनी बड़ी है, बाजू वाली सिंगल है, एक सिंगल बेड है और वॉशरूम है उसमें अटैच। दूसरी एक रूम है, उसमें डाइनिंग टेबल है, बैठने के लिए सोफा है और एक बेडरूम में ऐसा रूम सो है। अभी चेंज करके खाना खा के गोल्डन टेम्पल जाना है, तो आपको चेंज करके मिलता हूँ। यस, वी आर रेडी टू गो। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, क्योंकि अभी कोविड रेस्ट्रिक्शन के इसमें 10 बजे गुरुद्वारा बंद हो जाता है, तो उसके पहले जाके दर्शन लेके आने। सो हरी अब बाय बाय, चलो चलो चलो। अभी गोल्डन टेम्पल के इधर उतरे, 20 रुपीज शेयरिंग में उधर है, रिक्शा आपको मिल जाती है इधर गोल्डन टेम्पल के लिए आने के लिए। मतलब हमारे होटल से इधर से 20 रुपीज़ का था, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको। निर्भय
अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप हाथ सच जुगाद सच आ गए अंदर टेंपल के एक नंबर है यार सो प्रिटी अंदर आते ही देखते टाइम सिर्फ देखते ही रह गए सोचे सोचना अंदर जाते हैं पैर पढ़ने के लिए जे सोच लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार पुखिया पुख न उतरे ऑसम फीलिंग यार मस्त लगा रात को देखने का भी अलग मजा है इसका स्पीडिंग अभी लेट हो गया आने को हमको इसलिए वो निकल निकल करते मेरे को ज़्यादा शूट करने नहीं मिला नहीं निकाला कल सुबह फिर से आने वाले हैं दर्शन के लिए तो ज़्यादा वीडियो ज़्यादा अच्छे से शोकेस कर सकूँगा गोल्डन टेम्पल दिखा सकूँगा आपको पर टेम्पल एक नंबर है कुछ भी बोलो बहुत प्रीटी है बहुत अच्छा था यहाँ पर आने का वर्थ है गोल्डन टेम्पल देखने का सच्ची में एंट्रेंस आजू बाजू का जो प्लेस है सराउंडिंग भी एक नंबर है सराउंडिंग में भी ऐसा ग्लोबल विलेज जैसा फीलिंग आता है जो दुबई का ग्लोबल विलेज है हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं उस जैसी फीलिंग आती है पूरी इस जगह को देख के मतलब वो पूरा मार्केट है जो गोल्डन टेम्पल के पहले लगता है बहुत सारी दुकानें हैं शॉप्स है बट मेंटेन बहुत अच्छा रखा है क्लीन नीट प्लेस है गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू दी डे 5 सो आज हम निकल पड़े हैं तो आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल कल हमने गोल्डन टेम्पल रात में देखा था आज डे में एक्सप्लोर करेंगे उसको तो और उधर भी जिनके दर्शन मेन करने रहते हैं उनका दर्शन ही नहीं करने मिला क्योंकि वो पालकी में कुछ सोने के लिए गए थे उनका टाइम हो गया था तो अभी आज उधर जाके दर्शन करेंगे गुरु साहिब जी का सो लेट्स सी रात को पूरा खाली था अभी मार्केट ओपन हो गया तो पूरी चहल पहल है इधर कुछ भी रात को चलते टाइम एक सुकून था खाली रास्ता फुल अभी पूरी चहल पहल है ये अच्छा है सामने ही अभी गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अभी एंट्री करेंगे उधर बन्ना पुरिया पार सह स्याण पालख होवे ता इक ना चले नाल किव सचियारा होये किव कूड़े टूटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती सुबह भी उतनी है जितनी रात को है बहुत ही खूबसूरत है ये टेम्पल आप यहाँ पे ज़रूर विजिट देने आना
जब भी अमृतसर आते हो तभी, बहुत खूबसूरत प्लेस है। इधर प्रसाद भी मिलता है, एंट्री के टाइम पे मिलता है, और खड़ा प्रसाद आप रिसीट डे के भी ले सकते हो, 10 रुपये जितना आपको चाहिए अपने श्रद्धा के हिसाब से आप ले सकते हो प्रसाद, और उधर भगवान को चढ़ा सकते हो। ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार चुपे चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार